साहस सरोकार। रायबरेली की सीट पर सस्पेंस खत्म हो गया है। आपको बता दें कि रायबरेली की सीट पर सस्पेंस खत्म हो गया है। गांधी परिवार की विरासत को संभालेंगे राहुल गांधी। कई दिनों से चल रही थी माथा 25 वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली का सस्पेंस खत्म हो गया है। आज राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को मैदान में उतारा है। राहुल के साथ प्रियंका और सोनिया गांधी भी मौजूद हैं नामांकन के दौरान। सभी दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं रायबरेली। इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली की सीट पर सस्पेंस खत्म हो गया है। रायबरेली की सीट से गांधी परिवार की विरासत को राहुल गांधी संभालेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन करने जा रहे हैं। हम लोग इस वक्त कांग्रेसी केंद्रीय कार्यालय के पास पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहां पे लगातार राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पोस्टर लिए, और ये देखिए वो वाहन है जिससे राहुल गांधी जो है सवार होकर नामांकन के लिए जाएंगे। अब से कुछ देर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी यहाँ पे इस पे आएंगे और इस वाहन पे बैठ के कलेक्ट्रेट जाएंगे, वहाँ पे वो नामांकन करेंगे। उनका मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी दिनेश सिंह से होगा। योगी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, रायबरेली। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।